हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में हम छोटा सा अपडेट देने वाले हैं आप लोगों को, जो कि साइक्लोन की रिकॉर्डिंग अपडेट है। हो सकता आप लोग आइडिया नहीं है, या हो सकता आप लोग ने नहीं सुना होगा या न्यूज़ नहीं सुना होगा इस साइक्लोन अपडेट के बारे में। लेकिन यह इट इज़ रियल एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल हु आर प्लानिंग टू विजिट अंडमान एंड फॉर द होल पीपल ऑफ अंडमान ऑल्सो। वीडियो को एंड तक देखिए एंड होप यू ऑल विल लाइक इट। So let's get started. So guys, if we talk about the current situation of Port Blair, right now I am at Port Blair. तो जो वेदर है कैसा है Port Blair का, तो फिलहाल अभी भी एकदम नॉर्मल है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं एकदम साफ है, वेदर साफ है यहाँ पे। अभी तक ऐसा फील नहीं हो रहा है कि जो साइक्लोन है वह आ चुका है, ऐसा फील नहीं हो रहा है। लेकिन इफ़ वी टॉक अबाउट फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाउ, तो जितना धूप था कल उतना आज नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा पता चलता है कि कल या परसों यहाँ पे भी बारिश हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ बारिश होता है या कल अगर कुछ वेदर चेंज होता है, डेफिनेटली आई विल मेक अ वीडियो फॉर यू ऑल। लेकिन इफ़ यू टॉक अबाउट टी साइक्लोन, जो कि न्यूज़ आया था साइक्लोन का या वार्निंग आया था, यू माइट थिंकिंग कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है कि नहीं। तो आई वुड से येस, आई एम फ्रॉम स्मॉल आइलैंड विच इज़ कम अंडर द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। जितना भी निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड है वो एकदम साउथ साइड से बिलोंग करता है, मतलब। एंड जो Port Blair है, लाइक हैवलॉक है, नील आइलैंड है, एंटीक्लिपोर, नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान, जो वो आके नॉर्थ साइड में बिलोंग करता है। तो अभी जो साइक्लोन है, जो साइक्लोन का अपडेट आया था, वो ऑलरेडी स्टार्ट हो जाएगा एंड इट इज़ ऑलरेडी स्टार्ट फ्रॉम दी साउथर्न साइड ऑफ अंडमान। आई मीन जो निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड है वहाँ ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और ये जो अपडेट है, ये जो न्यूज़ है कि वहाँ में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। आई कॉल्ड इट फ्रॉम माय फैमिली, दे कॉल्ड मी टुडे मॉर्निंग, और उस लोग ने बताया था कि यहाँ में एकदम तेज बारिश हो रहा है एंड हम लोग बिल्कुल मच्छी भी नहीं पकड़ सकता या दूसरा जगह में भी नहीं जा सकता, क्योंकि एकदम अलर्ट दे दिया है। और ये भी बताया था कि ऑलरेडी जो हैवी रेन है और तेज तूफान है और जो सी का वो कंडीशन है वो एकदम बहुत ख़राब दिख रहा है एंड ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो ये था, ऐसे ही बोला था मेरा फैमिली लोग। तो लेकिन अगर इफ़ वी टॉक अबाउट दी Port Blair, तो यहाँ में अब तक ऐसा कुछ सीन नहीं आया है। अभी भी जो वेदर है, जैसे कि मैंने अभी दिखाया था आप लोगों को, तो वेदर भी ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड है सिर्फ वहाँ में साइक्लोन रहेगा, ऐसा नहीं है। इट विल द साइक्लोन विल ट्रैवल फ्रॉम साउथर्न साइड टू नॉर्दर्न साइड, दैट्स मीन पहले निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में रहेगा, मतलब वहाँ में होके फिर यहाँ में ज़रूर आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि Port Blair में साइक्लोन होने वाला नहीं है, बिकॉज अंडमान इज ग्रुप ऑफ आइलैंड, तो वो तरफ से आएगा फिर यहाँ तक हिट करेगा। सो गाइस, तो अपडेट ये है कि ऑलरेडी साइक्लोन आ चुका है अंडमान में, लेकिन अभी तक Port Blair में नहीं आया है, इसलिए अभी भी जो भी जिस तरह मौसम है Port Blair का एकदम साफ है। एंड लेकिन थोड़ा सा पता चलता है जो हवा है वो अलग फोर्स में आ रहा है, जितना नहीं था कल, और बरसों भी उतना हवा नहीं था, एकदम थोड़ा सा गर्मी फील हो रहा था, लेकिन आज एकदम चेंज हो चुका है। तो इससे ये पता चलता है कि कल या परसों यहाँ में भी तेज बारिश होने वाला है या तेज हवा भी होने वाला है। तो अगर आप लोग अंडमान आने वाला है या इफ़ योर फ्लाइट इस gonna be landed at Andaman on 17, 18, 19, so you don't need to worry about it। आप लोग ज़रूर आइए यहाँ पे, क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है Port Blair में कि साइक्लोन आ चुका है, लेकिन डेफिनेटली इट्स gonna hit Port Blair also। अगर निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में आ चुका है तो डेफिनेटली यहाँ में आने के लिए उतना टाइम नहीं लगेगा। एंड वन थिंग, वन प्रॉब्लम दैट इज gonna be faced by you all इस फेरी, जो भी फेरी रहेगा, जो भी शिप रहेगा Port Blair टू हैवलॉक या हैवलॉक टू नील, या जो भी Port Blair टू नील, जो भी हैवलॉक के लिए फेरी रहेगा या नील के लिए फेरी रहेगा, अगर सोचो Port Blair में अगर साइक्लोन आज आ गया, लाइक हैवी रेन या जो समुंदर है रफ सी रहेगा, तो उस चांसेस है 90% चांसेस रहेगा फेरी कैंसिल होने के लिए। तो अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है Port Blair में, लाइक हैवी रेन या हैवी थंडर स्टोन, तो चांसेस बहुत है फेरी कैंसिल होने के लिए, क्योंकि
you also know that अंडमान transportation is mainly depend on ship. तो जो भी ship रहेगा, अगर ऐसा कुछ weather रहेगा बोर्ड बिल में, तो definitely cancel हो जाएगा. तो ये दिक्कत हो सकता अगर ऐसा कुछ problem होएगा बोर्ड बिल में, या अगर यहाँ साइक्लोन पहुँच जाएगा इन निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, अगर ऐसा कुछ साइक्लोन आता है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज डेली ऐसा कुछ शिप नहीं रहता वहाँ पे, डेली ऐसा कुछ स्पीड बोट नहीं रहता या फेरी नहीं रहता. इट्स समटाइम्स हफ्ता में या मुश्किल से एक बार या दो हफ्ता के बाद या तीन हफ्ता के बाद एक बार फेरी जो भी फेरी है, स्पीड बोट है, वो एक दूसरे आइलैंड जाते रहता. लेकिन इफ़ यू टॉक अबाउट दी लाइक बोट ब्लेड टू हैवलॉक या नील या बोट ब्लेड टू नील, तो आप लोगों को पता है कि हर दिन रहता. लेकिन अगर ऐसा कुछ साइक्लोन आता है बोट ब्लेड में, तो वो उस तरह का कंडीशन बिल्कुल नहीं रहेगा. चांसेस बहुत है कि वो सब फेरी भी एकदम कैंसिल हो जाएगा, पूरा सस्पेंड कर देगा. जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो साइक्लोन का वार्निंग दिया था एकदम रियल है, एंड इट हैज़ टू बी टेकन एज पॉजिटिव मैसेज, एंड इट इज़ नॉट अ जोक गाइस. अगर आप लोग अंडमान में ऑलरेडी आ चुका है, तो अगर ऐसा कुछ हैवी रेन होता है या तेज हवा होता है, अगर आप लोग हैवलॉक में या नील आइलैंड में, तो बिल्कुल होटल में रहिए एंड यू डू नॉट कम आउटसाइड. दैट वुड बी बेटर. जैसे कि मैंने बताया था कि अगर साइक्लोन आता है और बोट ब्लेयर पहुँच जाता है साइक्लोन, तो ये सब प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, जैसे कि फेरी कैंसिल होना या जो भी वाटर एक्टिविटीज़ है वो सब कैंसिल हो जाएगा. तो हो सकता है आप लोगों को दिक्कत होएगा जो अंडमान में पहले से है, एंड जो भी एक्टिविटी करने वाला है 20 तारीख को या 17 तारीख को, तो हो सकता है ऐसा कुछ प्रॉब्लम होएगा. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द डेट हाउ लॉन्ग दिस साइक्लोन प्रॉब्लम कॉन बी हियर, तो मैसेज में ये दिया था कि 16 मार्च से लेकर 22 तक. लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि अभी तक पोर्ट ब्लेयर में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है, बट इट्स ऑलरेडी स्टार्ट फ्रॉम दी निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, तो वहाँ से पहले से स्टार्ट हो चुका है. और जो डेटा था जो जिसमें पॉइंट किया गया था कि 16 या 17 से स्टार्ट होएगा ये साइक्लोन, तो ऑलरेडी विच मीन इट इज़ करेक्ट, जो कि बरसों या नरसों से ही मतलब जो वेदर था वहाँ में ग्रुप ऑफ निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में वो एकदम करेक्ट था. तो हो सकता वहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचते हो सकता 20 या 21 डेट में ये पोर्ट ब्लेयर भी साइक्लोन दिखाई देने लगेगा, या हैवी रेन रहेगा या जो तूफान एकदम तेज रहेगा एंड रफ सी. तो हो सकता 20-21 यहाँ में साइक्लोन देखने को मिलेगा, एंड आई एम नॉट श्योर, हो सकता कल भी या परसों भी हो सकता है. लेकिन सबसे अच्छा बात यह है कि 22 to 25 देर विल बी नो फ्लाइट फॉर मार्च, तो वही अच्छा है, तो उतना प्रॉब्लम नहीं रहेगा जो भी ट्रैवलर्स है जो अंडमान में आएगा. लेकिन उसके बाद जो आने वाला है हो सकता 26, 27, 28, 29, 30, एंड देर इज़ नो नीड टू वरी, कैन कम टू अंडमान, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा. हो सकता जो भी साइक्लोन रहेगा वो 25th से पहले ही, मतलब जो भी वेदर है सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, हो सकता 24-25 तक रहेगा. इसलिए जो भी आने वाला है उसके बाद 25 के बाद, वो आप लोग ज़रूर आइए अंडमान में और विज़िट करिए. एंड सो दिस वॉज द स्मॉल वीडियो ऑन अपडेट रिगार्डिंग साइक्लोन. सो ऐसी अपडेट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.